यहाँ पे ना गोबर में, हमारे वहाँ इसको बुंगड़ बोलते हैं, और पता नहीं आप कमेंट में बताना लिख के इसको क्या बोलते हैं। तो आप सभी दोस्तों को सुप्रभात, और आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, और एक और नए दिन की शुरुआत भी होगी है खूबसूरत पहाड़ों में लगे हुए कोहरे के साथ। और अभी मैं भी लग गया हूँ अपने वीडियो अपलोड करने के लिए, और सबसे पहले काम मेरा यही रहता है आजकल, पहले वीडियो अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे और आगे को क्या क्या होता है। और हमारे प्रताप भाई भी आ गए हैं अभी अभी उठ के, और कल बहुत काम किया इनने भी, रेता बजरी ढोला। क्या बोलेंगे प्रताप भाई आप? क्या बोले यार भाई, काम में जा रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं भी पहुंच गया हूँ अपने रोज वाले मोड़ पे, जहाँ पे मेरी वीडियो अपलोड होती है। चलिए फिर लगाता हूँ आप वीडियो अपलोड में, नेट की स्पीड जल्दी आएगी तो जल्दी चले जाएगी, नहीं तो फिर 1-1.5 घंटा लगता है पूरा। और अभी इस मोड़ का काम भी हो गया है मेरा, कर दी है वीडियो अपलोड, जो कि आ जाएगी 8 बजे। मैं भी अब अपना सामान समेटता हूँ और चलता हूँ अपनी दुकान की तरफ। आज बहुत दिन हो गए दोस्तों आप लोगों के कमेंट नहीं पड़े हैं, और हमारी फैमिली जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों के जो कमेंट आते हैं तो उनसे पढ़ के बहुत मज़ा आता है, और आप लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हो। तो कमेंट कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों, मनीषा देवी, मोहन सिंह जो कि रोज कमेंट करते हैं, मोहन सिंह, मनीषा देवी, हरीश गड़िया, इनके रोज रोज ही कमेंट रहते हैं, भगत सिंह, राधा देवी गड़िया, दीपक गड़िया, हरीश जोशी, इनका आजकल नया कमेंट आ रहा है, जो भी है थैंक यू वेरी मच। और पूरन ठाकुर, थैंक यू वेरी मच, लव यू। और प्रकाश सिंह दिल्ली से, दीपक रावत, थैंक यू वेरी मच, आपका फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट भी आता है। धन सिंह रावत, हेमू जोशी, रेनू पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप और आपको इंतजार रहता है मेरी वीडियो का, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, यूं ही बने रहे मेरे साथ। जानकी देवी, आपको भी थैंक यू, आपको भी इंतजार रहता है। नेहा जोशी, यहाँ पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी ना, तो उसमें मैंने ट्रेडिंग भी इंक्लूड किया था अपना, कि उस टाइम पे यहाँ पे ठीक ठाक जैसा नेट चल जाता था, जिसकी वजह से मेरी ट्रेडिंग हो जाती थी, पर लेकिन टाइम टाइम पे डिस्कनेक्टिविटी आती थी नेट इंटरनेट की, तो उससे लॉस होने लग गए थे मेरे को, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया वो चीज़ें। वो भी फिर से आएंगे जब यहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही हो जाएगी, या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे कि इंटरनेट अच्छा हो जाए यहाँ पे, तो उसके बाद ही मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ सिखा पाऊंगा। तो कहीं कहीं पे ऐसे वर्ड हो जाते हैं जिससे कि आप लोगों को ना समझने में थोड़ा सा मुश्किल होती होगी, तो वो मैं समझ सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जो लैंग्वेज है उसको और सुधारूँ। और आप लोगों का प्यार, आप लोग फिर से आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ और देखते हैं मौसम का मिजाज कैसा बदला है आज का। मौसम भी दोस्तों हल्की हल्की धूप के साथ काफ़ी खूबसूरत हो रहा है, हल्का सा उमस हो रही है, और बादल भी आ ही रहे हैं बारिश वाले, क्या पता शाम तक बहुत तेज़ की बारिश भी हो सकती है। और आजकल चौमास भी लगा है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि बारिश नहीं होगी, और काफ़ी सुंदर नज़ारों के साथ। अभी स्कूल की छुट्टी होगी है तो आ गए हैं स्कूल के बच्चे भी नीचे। कुछ बच्चे तो चले गए हैं घर को, और कुछ अभी बचे हैं, ये भी जाने वाले हैं अब थोड़ी देर में, और मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए अभी घर। हाँ, 1 बज गया टाइम, आज लेट से जा रहा हूँ। आज ना दोस्तों कभी हल्की सी धूप लग रही है, कभी तो तेज की लग जा रही है, और हल्की हल्की सी गर्मी का एहसास तो हो ही रहा है धूप में जाके।
वैसे छाया में आ जाओ तो ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है, जैसे कि हमारे रॉकी को बिल्कुल छाया में बैठा हुआ है, बस मस्त से लकड़ी। ये हमारी प्यारी सी गुन्नू। जय हाँ, जैसे बोले इसने पुप्पा जी। अभी ना खाना ना खा लिया है तो अब देख के आते हैं जो पेड़ लगाए थे ना हरेला के दिन। तो चलते हैं, यहाँ से रास्ता तो नहीं है फिर भी पकड़ पकड़ के ऐसे 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 ये झाड़ियाँ पकड़नी पड़ती है तब जाना पड़ता ऊपर। पहला पेड़ तो यहाँ पे लगाया था जो कि ठीक ठाक हो रहा, जड़ भी पकड़ ली है संतरा माल्टा के, और ऐसे ही ऊपर को भी लगाए हैं। जड़ तो पकड़ ली है, फिर हल्का सा पीलापन देगा, फिर उसके बाद हरा हो गए। थोड़ा सा मिट्टी जो है वो पथरीली है ना यहाँ पे, इसकी वजह से भी दिक्कत कर रहा हो गए। यहाँ पे देखते हैं, ये काफ़ी शानदार हो रहा है पेड़। मतलब अभी जो बरसात में पेड़ लगाए हैं ना, दो चार दिन ही हो रहे, ज़्यादा नहीं हो रहे, तो ठीक ठाक हो रहे हैं अभी। और मेरे को ऊपर आते देख रॉकी भी इधर ही आ गया है, और यहाँ से ना गांव के नज़ारे ऐसे दिखते भैया। यहाँ पे मेरा घर है नीचे, फिर यहाँ से ऐसे ही ऊपर की तरफ जो हल्के बादल दिखाई दे रहे ना, यहाँ भूर भी हुआ है, और यहाँ भी जाएंगे एक दिन, जाएंगे रोज़ जाएंगे बोलता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। और बरसात के दिनों में ना चारों तरफ हरियाली रहती है तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आते हैं इस तरह के। तो ये था पेड़ों का अपडेट, जो कि ठीक हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लग रहे हैं अभी। जड़ पकड़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है उनको, तो आई होप कि पकड़ लेगा, मेहनत हुई है तो मेहनत का फल भी मिलेगा ना। तो घर पे जो काम थे वो हो गए हैं, तो अब फिर से वापस अपने दुकान की तरफ, और उसके बाद अपना चैलेंज जो है वो 14 डेज तक पहुंच गया है आज। अगर चैलेंज लिया है तो उसको कंप्लीट करना है, इट्स माय फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे ना गोबर में, हमारे वहाँ इसको बुंगड़ बोलते हैं, और पता नहीं आप कमेंट में बताना लिख के इसको क्या बोलते हैं। और ये पूंछ से सांप को भी मार देता है, और इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा, और पूरे गोबर के अंदर कीड़े रहते ना वही खाता है। जैसे जहाँ पर ये हुआ ना वहाँ पर सांप नहीं आता, फिर सांप और इसकी बनती नहीं है। या अलग अलग जानवर हैं, उनका अलग अलग महत्व है। तो इस तरीके से टाइम भी 5 बजने वाला है, और मैं भी चलता हूँ अपने डे नंबर 14 चैलेंज पे। चले फिर इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए आज नीचे वाले फील्ड के रास्ते जा रहे हैं, और इधर तो क्रिकेट मैच चला है नीचे वाले फील्ड में, और हम चलते भैया ऊपर वाले ग्राउंड में, और देखते हैं आज क्या क्या होता है और क्या क्या कर पता। आज तो बिल्कुल एनर्जी नहीं लग रही है बॉडी में, बिल्कुल भी नहीं। भैया पहुँचे फिर मालूखेत मिनी स्टेडियम में, और आज तो भैया एक्सरसाइज ज़बरदस्त। आज तो PTI सर भी आए हैं, मेहता जी प्रिंसिपल बैसानी के, और भंडारी जी भी आए हैं आज तो। भंडारी जी भी पूरे फिटनेस में, फ्रॉग जंप, मेडक वाली जंप। ये लंबी कूद तो हो गया है, और सबसे फर्स्ट में रही है अभी तक ना दूसरा राजा, और अप रनिंग कंटिन्यू। छह राउंड कंप्लीट हो गया है, और एनर्जी ना खत्म होती सी नजर आ रही है। अब एक्सरसाइज मारते हैं अपना, और डे टास्क जो है वो कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे ना पूरे ग्रास ग्रास है, तो यहाँ पे करते हैं एक्सरसाइज आज। नीचे कबड्डी क्रिकेट चल रहा है, और जो कि लगे हुए हैं, और स्कूल के बच्चे तो आज बहुत सारे आए हैं। सबसे पहले डिप्स से स्टार्ट करते हैं। पूरे शरीर में ना आग जैसी लगी है, इतना हीट हो रहा है बहुत ज़्यादा, और पसीना तो ये पसीना ही पसीना निकल रहा है।
आज 14वें दिन में देखते हैं होता है नहीं होता है। ओ भाई करीब करीब हो रहा, बस थोड़ा सा और बचा है। इसी के साथ ही आज की एक्सरसाइज कंप्लीट, लेट्स गो फुटबॉल भी खेलने। चले आप घर की तरफ, दुकान की तरफ। चलिए फिर अभी पहुंचे दुकान में और आज तो लाइट भी नहीं है, हल्की सी बारिश हुई और लाइट नहीं। टाइम भी दोस्तों 9 बजने को आ गया है, अभी लाइट तो आई नहीं। मेरी भी तैयारी होगी है घर जाने की और अब चलते हैं पहाड़ी किचन की तरफ और रात्रि भोज करते हैं गुन्नू और गुन्नू की मम्मी और रॉकी पहाड़ी किचन की तरफ। अब गुन्नू ना करेले की सब्जी भी खाती है, ये रोटी भी निकालती है। खाना ना खा के अब गाय भैंसों को अंदर बांधने के लिए, तो मम्मी और मैं जा रहे हैं आज बांधने के लिए। और दिन श्रीमती जी और मैं, एक तो काला ही हो रहा है, अंधेरा ही हो रहा है, ऊपर से काली ही भैंस है तो कहाँ से दिखेगी। सर खुज ला रही है अभी। मनु अंदर ना गर्मी फिर भी ज्यादा ही हो रही है इनके लिए, गाय भैंसों के लिए। ये आई नहीं रही बाहर से। ये मोटी भैंस यहाँ से खा रही है और रॉकी साइड भी बाहर पे पहरा देने के लिए। चलिए जी गाय भैंस भी बांध दी है अब अंदर और आज का दिन कुछ इस तरीके से था फिर। और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।